सुप्रीम कोर्ट का अभी एक हाई कोर्ट का अभी एक वर्डिक्ट आया है कि जो फीमेल्स होती हैं, ठीक है, मेल्स पे मेंटल ट्रॉमा करती हैं, किसके लिए, कि आप अपने पेरेंट्स से सेपरेट रहो, ठीक है, पर्टिकुलर टॉर्चर, ठीक है, मेंटल हरासमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है कि आप अगर कोई फीमेल है, लगातार आपको बोल रही है, मेंटली हरास कर रही है, टॉर्चर कर रही है, कि आप अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो जाओ, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने डाइवोर्स का केस रखा है, ठीक है। दूसरी बात, इंडिया एज अ कंट्री अगर हम ले लेते हैं, मेल रेप्स होते हैं, कॉमन है आजकल, जब से होमोसेक्सुअलिटी आई है, कितने लॉज हैं, कोई नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस में रेप आपने कंसीडर किया ना, मेल का रेप नहीं हो सकता है, फीमेल मारपीट नहीं करती है, कहाँ है लॉ, कहाँ है, 19 साल से कहाँ है, किसने बात करी है। मैं ये सिर्फ सिंपल सा कह रहा हूँ, ये सब बातें कहाँ हैं, कहीं दिखती हैं आपको मीडिया में? लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है, लाई डिटेक्टर के लिए चीज हो सकती है, हमारे स्पेशलिस्ट भी हैं। लाई डिटेक्टर के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिटन परमिशन लेनी पड़ती है, ऐसे लाई डिटेक्टर नहीं किसी के साथ भी कर दो आप, तो आप मतलब सुप्रीम कोर्ट को छोड़ देंगे? नहीं, छोड़ नहीं दो, मैं पूछ रहा हूँ प्रोसीजर आप बता दो, क्या कैसे एक प्राइवेट रूम में जो दो लोगों के बीच में जो चीजें हुई हैं, आप कोर्ट में भरे कोर्ट में कैसे प्रूफ करोगे उस चीज को कि कंसेंट था कि नहीं था? साइकोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं, वो एक इंसान की एक्टिविटीज को देखते हैं कि हाँ ठीक है ये टेंडेंसी हो सकती है, प्लस आसपास की जो सोसाइटी की आप बात कर रहे हैं, अगर ये चीज बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है तो सोसाइटी को वो चीज ऑब्जर्वेबल नहीं होगी कि एक हाँ, बंद कमरे में जो चीज हो रही है वो सोसाइटी कैसे पता कर रही है? नहीं, वो चीज आपकी एक्टिविटी में भी दिखेगी, आप ऐसा तो है नहीं बंद कमरे में आपका एक अलग बिहेवियर है और बाहर एक अलग बिहेवियर है, स्प्लिट पर्सनालिटी तो चल नहीं रही है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, तो वो चीज है ना, वो अगर बंद कमरे में ऐसी चीजें हो रही हैं तो उसके कुछ ना कुछ इंस्टेंसेस बाहर भी दिखेंगे। कोई जरूरी नहीं है, ये सबसे मेजर इशू यही आ रहा है कि भाई अगर मान लेते हैं हम, चलो ठीक है, दो लोगों हैं उनके बीच में कंसेंट नहीं था, आप कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में, और कोर्ट हमेशा प्रूफ पे काम करता है, अगर आपके पास सॉलिड प्रूफ है तभी कोर्ट आपको सजा देगा, बेनिफिट ऑफ डाउट जरा सा भी नहीं होना चाहिए, उस बेनिफिट ऑफ डाउट को आप कैसे कोर्ट में साबित करोगे? लाई डिटेक्टर अभी मैंने बताया, आप रिकॉर्ड उठा के देख लो आज तक इंडिया की हिस्ट्री में कितनी बार लाई डिटेक्शन टेस्ट हुआ। इन सिनेरियो और ऐसे हमें पता ही चल, जैसे जैसे चेंजिंग सिनेरियो हो रहे हैं कि वुमेन फेक केसेस ला रहे हैं, और ये बात तुम खुद बताओ बाकी कह सकते हैं, अगर कोई और मतलब जैसे जो मैरिटल केस के अलावा जो रिप्स होते हैं उसमें तो आप प्रूफ कर सकते हो, सीमेन के बेसिस बहुत सारे प्रूफ हो सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर सीमेन तो मेल उसके हस्बैंड का ही मिलेगा, अब तुम ये ग्रूम के अंदर कैसे पता, कोई और तो है नहीं उन दोनों के अलावा, तो हाउ कैन यू प्रूव दैट इट वॉज कंसेंशुअल, और कि ये मतलब वो ऐसा लड़की फेक भी तो कर सकती है, अपने ऊपर बहुत सारे निशान कर सकती है, बहुत सारे, और अगर ये इतना ही सिंपल होता है, जो तुम लाइव डिटेक्टर की अगर बात करो, लाइव डिटेक्टर हो या फिर जो नार्कोटेक्स होता है उसकी भी बेनिफिट ऑफ डाउट होता है, कोर्ट उसको एकदम एग्जैक्ट नहीं मानती, क्योंकि स्ट्रेस कंडीशन के अंदर आपके जो आंसर होते हैं वो चेंज होते हैं, और रही बात साइकोलॉजिस्ट की भी, तो इंसान की साइकोलॉजी वो भी एक ह्यूमन बींग है, कोई आप फॉल्स चीज़ें बहुत सी क्रिएट कर सकते हैं, हाँ ये कि आप एक कंक्लूजन तक मतलब ऑलमोस्ट आ सकते हो, पर कंक्लूजन नहीं देंगे उसको, कि आप रफ सा फिगर बना सकते हो, लेकिन आप एग्जैक्टली पर्सन को पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि दैट वॉज अ विक्टिम और शी हैज बीन पर्टिकुलरली अब्यूज, तो इस पर तुम ये बताओ, जब मेडिकल हो नहीं पा रहा है सही से कोई, और हाँ तुमने जैसे कहा कि समाज से हम लोग पूछते हैं उनके नेबर से, ऐसा बहुत सारी जगह पर होता है कि समाज में जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट कर रहा है दिखाने के लिए, लेकिन रूम के अंदर ही इज असॉल्टिंग, तब रूम के अंदर तो कोई नहीं है, तो कैसे आप ये जाके प्रूव करोगे? और यहाँ पर मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात होगी, और ये मैं फीमेल के मैं हूँ फीमेल, लेकिन बात यहाँ पर तो दोनों की है ना। अपने इंडिया का स्टेटस उठा के देखें तो अगर एजुकेशन में देखें गर्ल्स का तो मेजर ड्रॉप आउट दिखता है हमें, ठीक है, पार्टिसिपेशन बहुत कम है। जीडीपी में लड़कियों का कंट्रीब्यूशन देखें तो सिर्फ 18% है, यानी कि फाइनेंशियली वुमेन बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं किसके ऊपर, मेल्स के ऊपर, ठीक है। सोसाइटी को देखें तो सोसाइटी अभी हमारी इतनी चेंज नहीं हो सकी है कि वुमेन एम्पावरमेंट हम इतने अच्छे तरीके से अभी अचीव कर पाए हैं,
अभी भी आजकल भी अगर कहीं भी आप देख लो सोसाइटी में डाइवोर्स तक के केसेस होते हैं तो घर वाले उसको यही समझाते हैं कि बेटा किसी तरीके से एडजस्ट करो क्योंकि डाइवोर्स के बाद तुम कहाँ रहोगी, ठीक है, मेरे यहाँ तो रह नहीं पाओगी और तुम खुद फाइनेंशियली इतनी इंडिपेंडेंट नहीं हो कि अपने पैरों पे खड़ी रह सको सोसाइटी के बेसिस पे। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये सिंपल सा कह रहा हूँ कि मैरिटल रेप जाहिर सी बात है गलत चीज़ है, ठीक है, सरकार ने भी कहा कि गलत चीज़ है और किसी भी हस्बैंड का फंडामेंटल राइट ये नहीं है कि एक वुमेन की डिग्निटी को वो ब्रीच करे, मगर ठीक है ये एक लीगल मैटर से ज़्यादा एक सोसाइटल मैटर है, ठीक है। सोसाइटल मैटर क्यों है मैं ये बताना चाहता हूँ, ठीक है, अभी क्योंकि हमारी सोसाइटी जैसे ग्रो कर रही है तो पहली बात तो हमने जो मैरिज को रखा है, मैरिज एक हमारा सैक्रेड इंस्टीट्यूशन अभी भी माना गया है। मैरिज का मतलब ये तो नहीं है कि हाँ ठीक है आपने लाइफ टाइम का कंसेंट दे दिया, कंसेंट इस बात का है कि आप साथ रह रहे हैं और एक दूसरे के पार्टनर एक दूसरे का साथ देंगे। अच्छी बात है, ठीक है ठीक है, इस पे बताते हैं हम। देखो सोसाइटी हमारी कैसे इवॉल्व करी है, ठीक है, मैं ये ज़्यादा डीप में अगर जाना चाहो आप तो क्या होता है कि हर घर की बात है, कॉमन बात है, सबने देखा होगा कि अगर आज के ज़माने पे कोई दो लोग साथ आते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो घर वालों को अगर कहीं गलती से पता चल गया वो सीधे कहते हैं कुछ उल्टा से उल्टा मत करना, अभी से शादी के बाद के लिए बचा के रखना ये चीज़ें, ठीक है, हर जगह होता है और हमेशा लोग यही कहते हैं कि भाई शादी के बाद जो करना हो करो अभी कुछ मत करना ऐसी। सोसाइटी में कभी ये किसी बच्चे को नहीं बताया जाता है कि हाँ शादी के बाद कर लेना मगर भाई दोनों की मर्जी से करना, ठीक है। अभी भी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अगर आप ये देखो तो शादी को क्या माना जाता है कि भाई आप सर्टिफाइड हो क्वाइटस के लिए, आप फ्री हो, आपको सर्टिफिकेशन मिल गया कि हाँ आप दोनों की शादी हो गई है, अब आप इंडिपेंडेंट हो। ये कंसेंट की बात इवॉल्व ही नहीं हुई ना सोसाइटी में। अगर ये चीज इवॉल्व नहीं करी इसका मतलब ये तो नहीं है हम उसके अगेंस्ट नहीं बोलेंगे।